जैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब हमें फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी दिखानी है। इसमें क्या है हमारा, एक्स एक हमारा स्पेस है, ए हमारा एक वो हो गया सबसेट एक्स का जो कि यहाँ पे दिखानी है का। अब उस ए सबसेट का हमने पावर सेट निकाला, पावर सेट जैसे कि हम ओपन कवर निकालते हैं अभी तक पावर सेट निकाला। अब पावर सेट का हमने एक सबसेट बनाया एफ, वो यदि सबसेट का यूनियन हमारा ए को कंटेन करता हो तो हम उसे क्या कहते थे, फाइनाइट, हम उसे कहते थे ओपन कवर। ठीक, अब हम उस ओपन कवर का यदि हम जो हमारे ओपन कवर सेट बन के आया है यदि उसका हम इंटरसेक्शन ले, फाइनाइट इंटरसेक्शन, यानी कि जैसे हमारे ओपन कवर में 5 टी ओपन सेट हैं, उन 5 टी ओपन सेट में हम फाइनाइट ओपन सेट का इंटरसेक्शन ले लें, पांचों का एक साथ ले लें, किसी दो का ले लें, किसी तीन का ले लें, यदि वो इंटरसेक्शन हमारा फाइनाइट ना आए, यानी कि हम किसी भी दो एलिमेंट का मिनिमम का इंटरसेक्शन लें, मैक्सिमम हम फाइनाइट कितने भी ले सकते हैं, मिनिमम दो एलिमेंट का यदि हम इंटरसेक्शन लें जो हमारा ओपन कवर है उनके सेट के, किसी भी दो टी ओपन सेट का यदि हम यूनियन लें, यदि वो हमारा क्या आ जाए, फाई नॉट इक्वल टू फाई आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी कि हम फाइनाइट ओपन सेट प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए एक ऐसा ओपन कवर सर्च करेंगे जिसके हर एक एलिमेंट का यदि हम किसी भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन लें वो हमारा नॉट इक्वल टू क्या आए, फाई, यानी कि वो हमारा नल सेट बन के ना आए। ऐसा ना हो किसी कोई भी हम एफ ओपन कवर लें किसी भी दो एलिमेंट में कुछ भी कोई कॉमन पॉइंट हो ही ना, हर एक ओपन कवर में कुछ ना कुछ ओपन वो हमारा कॉमन पॉइंट होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू अदर, यानी कि हर एक में कुछ ना कुछ रिलेशन हो। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली है क्या, यदि हम किसी भी ओपन कवर के मिनिमम दो एलिमेंट, मैक्सिमम हम फाइनाइट कितने भी ले सकते हैं, यदि उनका इंटरसेक्शन करें वो हमारा नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। यही है हमारी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी।